हेलो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, राइट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया है. इन द फिगर 1.44, एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल के मिडल अंदर कोई एक्स पॉइंट है. पॉइंट एक्स इज ज्वाइन टू द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल. एक्स जो है सबके वर्टेक्स से ज्वाइन है, सबके पॉइंट से ज्वाइन है. सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी. पी क्यू जो है डी के पैरेलल है. क्यू आर इज़ पैरेलल टू ई एफ. क्यू आर इज़ पैरेलल टू ई एफ. फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट. अभी अपने को फिल इन द ब्लैंक्स करना है. मैंने जो डार्क लाइन में लिखा, डार्क वर्ड्स में लिखे, वो आंसर है मेरा, क्योंकि ये सब ब्लैंक थे, मैंने उस पर लिख दिए आपको समझाने के लिए. अपने को प्रूव करना है कि सेगमेंट पी आर इज़ पैरेलल टू डी एफ. क्यू पी इज़ पैरेलल टू डी दिया है. क्यू आर पैरेलल टू ई एफ दिया है. अपने को प्रूव करना है पी आर इज़ पैरेलल टू डी एफ. ओके, सबसे पहले क्यू पी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी लिख दिया. इन ट्रायंगल एक्स डी ई पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को. अभी क्यू पी इज़ पैरेलल टू डी में एक्स पी डिवाइड बाई पी डी, एक्स पी डिवाइड बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू ई. एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू ई, रीज़न क्या रहेगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. पी क्यू और डी पैरेलल है तो एक्स क्यू डिवाइड बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू ई. ठीक है, वो लिख दिया. अब सेम इस ट्राइंगल में एक्स ई एफ में, एक्स ई एफ में क्यू आर इज़ पैरेलल टू ई एफ. इन ट्राइंगल एक्स ई एफ क्यू आर इज़ पैरेलल टू ई एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को. इसमें लिखेंगे एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ. एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर डिवाइड बाई आर एफ. इसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम रहेगा. अगर हम फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करते हैं तो एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू इधर भी है, एक्स क्यू डिवाइड बाई क्यू इधर भी, दोनों सेम है. मतलब अगर इन दोनों सेम है तो इन दोनों भी सेम रहेंगे. तो मतलब एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ. तो लिखा है एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक और दो से. ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे एक्स पी डिवाइड बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, तो पी आर इज पैरेलल टू डी एफ. देयरफॉर पी आर इज पैरेलल टू PR is parallel to DF. Is this clear? यहाँ पे F आएगा मिस प्रिंटर. समझ गए, एक वापस रिपीट करो. देखो एक्स डी ई में, ये वाले ट्राइंगल में एक्स पी क्यू इज पैरेलल टू डी दिया है, दिया हुआ है. तो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई. एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई. इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. अब ये वाले ट्राइंगल में एक्स ई एफ में क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ दिया हुआ है. क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ दिया. एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ. एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ. इसको सेकंड नंबर, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई दोनों दिया हुआ है. ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसके लिए ये दोनों भी सेम बराबर रहेगा. एक्स क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ. एक्स क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, रीजन में लिखने फ्रॉम वन एंड टू. तो एक्स क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ. तो इसके लिए पी आर इज पैरेलल टू डी एफ. इसके लिए पी आर इज पैरेलल टू डी एफ कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. इज दिस क्लियर? समझ गए? टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस आंसर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 9th क्वेश्चन. इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट ट्राइंगल ए बी सी. बी डी जो है ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है. इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन पर रीड कर लो. बी डी बाइसेक्ट ए बी सी. ये जो बी डी जो है ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है. ए बी का वैल्यू एक्स दिया है, बी सी एक्स प्लस 5 दिया है, ए डी एक्स माइनस 2 एंड डी सी एक्स प्लस 2, और एक्स का वैल्यू निकालना है. इज दिस क्लियर? कैसे सॉल्व करना है देखते हैं. देखो क्वेश्चन ऐसे ही है, ट्राइंगल ए बी सी में बी डी जो है, बी डी जो है बाइसेक्टर है ट्राइंगल ए बी सी का, राइट, जिसमें ए बी एक्स है, बी सी एक्स प्लस 5 है, ए डी एक्स माइनस 2 है एंड सी डी एक्स प्लस 2 है. तो लिखने का पहले इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी बायसेक्ट एंगल ए बी सी, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी. रीजन में डालने का,
एंगल बायसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एबी का वैल्यू कितना है एक्स, बीसी का वैल्यू एक्स प्लस फाइव, एडी का वैल्यू एक्स माइनस टू, बीसी का वैल्यू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इसको क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस फाइव। क्लियर, देयरफॉर एक्स एक्स मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, एक्स का टू में मल्टीप्लाइड टू एक्स इज इक्वल टू। अब इसमें कैसे करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव में करेंगे, माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव में करेंगे। क्लियर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ऐसे रहेगा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है एक्स स्क्वायर, एक्स का फाइव में मल्टीप्लाई किया तो फाइव एक्स, माइनस टू का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स, माइनस टू का फाइव में मल्टीप्लाई किया तो माइनस टेन। ये एक्स स्क्वायर चेंज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू फाइव में से 2x गया तो कितना बचेगा 3x माइनस टेन, 3x को इधर ले लो, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस टेन, माइनस 1x इज इक्वल टू माइनस टेन, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू टेन। समझिएगा कैसे किया, एक बार लिख देने का, इन ट्राइंगल ABC में BD बायसेक्ट करता है एंगल ABC को, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, AB कितना x, BC कितना x प्लस फाइव, AD कितना x माइनस टू और DC कितना x प्लस टू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस टू में किया और x माइनस टू का मल्टीप्लाई x प्लस फाइव में किया, x का मल्टीप्लाई x प्लस टू में किया तो x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का टू में मल्टीप्लाई टू एक्स, एक्स माइनस टू का एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव में किया, माइनस टू लिख के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव और माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव में। जब इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स का एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का फाइव मल्टीप्लाई किया फाइव एक्स, माइनस टू का एक्स मल्टीप्लाई किया माइनस टू एक्स, माइनस टू का प्लस फाइव मल्टीप्लाई किया माइनस टेन। एक्स स्क्वायर कैंसिल बचा, टू एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स में से टू एक्स गया थ्री एक्स, थ्री एक्स माइनस टेन। अब इस थ्री एक्स को इधर लिया तो टू एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन ऐसे रहेगा, दो में से माइनस तीन गया तो माइनस वन एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन, माइनस माइनस कैंसिल इज इट देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू टेन। समझिएगा क्वेश्चन, नाउ सी हाउ टू सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो मैंने सॉल्व किया, इन ट्राइंगल ABC में BD बायसेक्टर है ABC का, तो इसको लिखना है ऐसे, लिखने का इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD बायसेक्ट एंगल ABC, देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, देयरफॉर AB का वैल्यू कितना 12, BC का कितना 20, AD मालूम नहीं, BC 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू AD इज इक्वल टू 12 इंटू 16, 20 इंटू AD इज इक्वल टू 12 इंटू 16, दो बार लिख दिया, AD इज इक्वल टू 12 इंटू 16 डिवाइड बाई 20। अब इसको सॉल्व करो, 4 से दोनों को डिवाइड करो, 4 जा 16, 4 5 जा 20, 12 4 जा 48 डिवाइड बाई 5, 12 4 जा 48 डिवाइड बाई 5। इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 9.6 आता है। इज दिस क्लियर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना। If any doubt is there, please ask. Solve these two questions as a homework. पहले वाले में PQR में Q, इसका नाम चेंज करना।
PQR में QO is the bisector of angle PQR. PQ 25 दिया है, QR 40 दिया है, PO 14 दिया है, OR का वैल्यू निकालना है. सेम इधर भी LMN में MO is bisector of angle LMN. क्लियर? LM 6, MN 10, NO 8, LO निकालना है. दिस इज क्लियर? ये दो क्वेश्चन आपको एज होमवर्क करना है, राइट? दिस इज 9 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया, राइट? सॉरी, दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड दिस इज 9 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया. और यहाँ उन्होंने 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब टोटल हम लोगों ने 9 और 10 सॉल्व किया और 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व किए. तो ये सब क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करना है. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क.